नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 4 अप्रैल 2024 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जातपुर मंडी में आज का सब्जियों का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सन्नी भाई की दुकान पे, जैसे शिमला मिर्च आती है और ये अचारी मिर्च, पापड़ी मिर्च, करेला, भिंडी, बैंगन और खीरा, मेन जो काम है इनका भाई साहब का खीरे का और शिमला मिर्च का है, बाकी सारी सब्जी आती है। चलिए जान लेंगे आज की क्या कुछ रिपोर्ट है जी, कहाँ कहाँ के माल आए। अठिए भाई अठिए, आज की बिक्री कैसी चली। नमस्कार भाई साहब जी, भाई साहब जी आज का कैसा बाजार चला जी, क्या कुछ रिपोर्ट है जी, कल नहीं आ सका जी। राणा साहब माहौल देखो, माहौल कैसा है। हाँ जी ऐसा ना, मौसम हो गया गर्म, अच्छा माल होने लगे डैमेज के, लाल भी बहुत ज्यादा हो रहे, डैमेज बहुत ज्यादा हो रहा है। कोई भी माल हो, लाल और डैमेज की शिकायत सब में ज्यादा निकल रही है। अच्छा जी, अब ये मान के चलो लोकल यहाँ के तो बरेली आगरा तो सब बंद हो चुकी है, खाली हो लीजिए। जबलपुर वाले माल आ रहे हैं, जबलपुर वाले माल बिक रहे हैं मंडी के अंदर 45 रुपए किलो से लेके 50 रुपए किलो तक। जैसे माल है वैसे बाजार है, हल्के माल है जो 45, 46, 47, 48, 49, 50 जैसे जो रात को बिक गए बाद में बिकते तो ऐसे बना के बिकते हैं। अच्छा जी। लाल वाल की शिकायतें ज्यादा आ रही है, माल डैमेज ज्यादा निकल रहे हैं। अच्छा जी सिर्फ हाँ, और उसके बाद जो भी है अपने कलकत्ता वाले सारे बंद हो गए, अहमदाबाद सारी बंद हो चुकी है, उसके बाद बचेंगे अपने बॉम्बे वाले माल। अच्छा जी सिर्फ ये बॉम्बे वाले माल ही है जो बढ़िया है। अच्छा जी हाँ, इनके मुकाबले का माल आज की रेट मंडी के अंदर कहीं भी नहीं है। बॉम्बे वाले माल आज की रेट के अंदर ही बिक रहे हैं, 60 रुपए की पोजीशन हो गई है। 60 रुपए हाँ, 60 रुपए की पोजीशन बॉम्बे आज भी बिक रही है। अच्छा, और इसके टॉप क्वालिटी आज तक कोई नहीं बिक रही है, बाकी सारे माल हल्के हैं। आप ये देखोगे मालों के अंदर बनने में लग रहे हैं माल, कितना भी कुछ भी कर लेंगे। इधर देखो आप, अच्छा जी देखो ये लाल बन के जो लाल कहाँ वाले हैं जी, ये अपने जबलपुर वाले मालूम है। ये देखो जबलपुर जी, ये देखो बनने का जो ये निकलते ना ग्राहक इसको देता है, इसको संभालनी पड़ जाती है ये सारी रीपैकिंग करके देते हैं। रीपैकिंग हमारी यहाँ पे चल रही है। अच्छा जी, अब ये ग्राहकों को दिया है, ग्राहकों को बोला भाई जो भी निकलेगा संभालेंगे हम बैठ के। अच्छा, अब ये चीज देखो आप, ये जैसे रीपैकिंग कर, ये देखो ना ये माल सारा वेस्ट है। अच्छा जी, ये जो है ये कोई काम का नहीं है, सड़ जा रहे हैं माल, डैमेज निकल रहे हैं जो मालों के अंदर, ये कहानी खराब है। अच्छा, मतलब कुल मिला के जो पंजाब की लोकल मिर्ची आई थी, लोकल मिर्ची जो पंजाब वाली आई है वो भी ये 45 से 50 रुपए किलो, पंजाब वाली 45 से 50 रुपए किलो पन्नी में आ रही है। पन्नी के अंदर जो लोकल मिर्ची आ रही है। पंजाब की कितनी गाड़ियां आ रही है लोकल? पंजाब की मेरे पास 2 गाड़ियां थी लोकल की, और मंडी में टोटल, मंडी में टोटल 2 ही थी, वो मेरे पास ही थी पंजाब, और किसी के पास थी नहीं। अच्छा, पंजाब लेकिन कच्चे माल है वो टिकेंगे नहीं अभी, और 3-4 दिन के अंदर पंजाब फुल स्पीड में बढ़ जाएगा। मतलब ये समझो कि थोड़ा मौसम एक बार और गर्म हो जाए, जैसे गर्मी आ गई है एक बार मौसम और गर्म हो जाए तो पंजाब की मिर्ची आ जाएगी दिल्ली, पंजाब बिकेगी 30-35-40 तो इनका बहुत ज्यादा जो भी है खत्म हो जाएगा। अच्छा जी हाँ, क्योंकि होटल वालों को तो मेन डिमांड है, जो होटल वालों की है वो मेन डिमांड है साइज की। अच्छा, साइज के चक्कर में ये मिर्चियाँ पकड़ी जा रही है, क्योंकि लोग कितना भी कर लेंगे ना ये। हाँ जी देखो ये माल लोगों को मजबूरी में चलाने पड़ रहे हैं, गलन चल गई ना ये मालों में, गलन चल गई, माल पुराने हो गए, मजबूरी में चलाने पड़ रहे हैं। ये देखो कितना भी ये निकाल रहे हैं, लाल आ ही रहा है, ये देखो आप कितना भी कर रहे हैं ये आ ही रहा है। अभी पंजाब वाली मिर्ची जो नई मिर्ची है, हाँ जी, वो 5 से 7 दिन के अंदर जोर पकड़ लेगी, उसके बाद इनका खेल खत्म है, मुझसे 3 या 4 दिन का खेल है। अच्छा, या बहुत से बहुत कटेगी 10 तारीख, लास्ट 10 तारीख समझ लो, उसके बाद डी एंड है सारा। और आज ये जो अचारी पड़ी जी है, अचारी वचारी कोई भी नहीं पकड़ रहा, 50 रुपए किलो अचारी कोई नहीं पूछ रहा। अच्छा, बॉम्बे से और क्या माल आ रहा है? बॉम्बे का सारा खत्म है, बॉम्बे भी मतलब जो बचे, अगर बाजार बॉम्बे का टूटेगा तो दिल्ली चलेगा, नहीं तो चलेगा। अच्छा जी, अच्छा, और खीरे की पोजीशन जी आज की? खीरा बरेली वाला खीरा आया था 10 रुपए किलो बिका है, सिर्फ 10 रुपए किलो, सिर्फ बरेली वाला खीरा, रायपुर वाला खीरा आ रहा 14-15 रुपए किलो, और चाइनीज सीडलेस, चाइनीज सीडलेस की पोजीशन मानो 25 से 28 रुपए की पोजीशन। अच्छा जी हाँ, ये मंडी का मोल है। अभी तो टिके रहेंगे शिमला मिर्च के बाजार जी, टिके क्या रहेंगे, अब नहीं टिकेंगे, हर दिन टूटेगा, हर दिन टूटेगा जी, जैसे जैसे पंजाब बढ़ेगी, पंजाब बढ़ेगी हर दिन टूटेगा, जैसे बाजार रहेगा हर दिन टूटेगा। अच्छा जी, चलिए जी धन्यवाद। टेम्परेचर टाइट हो गया ना, देखो ना टेम्परेचर कितना हो गया, अब ना इस गर्मी में बैठ भी नहीं पा रहे हम, देखो घड़ी में 9 बजे हैं। हाँ जी, इस गर्मी को बैठ भी नहीं पा रहे हम नीचे, काटने वाली हो गई, माल को भी उतारना पड़ेगा गाड़ी के अंदर, इसका माल रह गया पानी छोड़ देगा, मालों को भी काटना पड़ेगा। चलिए धन्यवाद भाई साहब, ओके राणा साहब। दोस्तों कटहल का वही सरकारी रेट चल रहा है, 28 रुपये, 29 रुपये, 30 रुपये जैसा माल है जी, और नीचे में जो जाएंगे जो 2 नंबर माल है वो आपको 24 रुपये, 25 रुपये भी मिल जाएंगे, मेन रेट 28 रुपये का जी। दोस्तों पत्ता गोभी का बाजार चल रहा है जी, दोस्तों 700 रुपये से लेकर 800 रुपये मेन बाजार है, 750 का जो बढ़िया वाली है वो 800 रुपये भी जा रही, जिनके पत्ते पीले पड़ गए, काले पड़ गए, वो 700 की भी मिल जाएगी, वजन वही इसमें 58-60 किलो को भी मिलेगा। और ये जो इनके पास भाई साहब के पास ये अम्बी आ रही जी, ये इसका रेट चल रहा है 40 रुपये किलो, कच्चे वाली अम्बी जो अपना हैदराबाद से आती कच्चा आम,
चटनी में चलता है कच्चा आम 40 रुपए किलो। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली जाजपुर मंडी में आज का अरबी का क्या बाजार चला। तो कमाल होगा जी, लोकल अरबी आ गई भाव भाई साहब के पास। भाऊ जी नमस्कार जी। नमस्कार भाऊ। बताइए जी, आपको कब से चालू हुई जी? भाई हमारे यहाँ हुई है 2 तारीख को। 2 तारीख यानी परसों जी। मुहूर्त हो लिया जी, कहाँ लिया जी? अब ये भाऊ जी मध्य प्रदेश खंडवा की है। मध्य प्रदेश खंडवा जी जी। अब की बार जल्दी चली आ गए? कम से कम 15 दिन पहले चल गई। 15 दिन पहले चल गई ना ये? अच्छा जी, अच्छा। और यूपी वाली कैसी फसल है जी अपनी? यूपी में बाबू जी कम फसल लगाई गई इस साल। बीज महंगा था जी बहुत ज्यादा? बीज ज्यादा महंगा था, 90 रुपए से लेके 100-110 तक बिका है। तो लोगों ने बीज ही बेच लिया जी की बार? वो तो बीज तो पहले ही बिक गया, बीज मिला ही नहीं किसानों को। अच्छा जी, अच्छा। चलिए, किसान साथ में आ रहे जी इसके भी? बाबू जी इसके किसान साथ नहीं आते हैं। अच्छा, ये व्यापारियों का आता है वहाँ जी। चलिए जी, क्या रेट बताया जी आज का जिसका? बाबू जी आज बिका रात में तो 50 बिका, 49 बिका, 40-47। अच्छा जी, अच्छा। और कहाँ की आ रही है अरबी सर जी? बहुत जी अरबी हैदराबाद की आ रही है और अरबी उड़ीसा की आ रही है। उनके कैसे बाजार चल रहे जी? बहुत जी उड़ीसा बिक रहा है 42-44, 40 से लेके 44 तक। अच्छा जी। और हैदराबाद भी बिक रहा है 40-42 का। अच्छा जी, चलिए जी, स्टॉक भाव कम है। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये जो जाएगी वाशिंग होकर जाएगी, कैसे ही चली जाएगी? बहुत जी कुछ लोग यूपी वाले तो ऐसे ही बेचते हैं, कुछ लोग वाशिंग कराते हैं नलके पे। चलिए धन्यवाद बाबू जी। मोबाइल नंबर बोल दो जी अपना। 9899360725। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज का चुकंदर का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है। भाई साहब के पास ये चुकंदर आया। हाँ जी भाई साहब जी, कैसे हो जी? क्या बात है, सुस्ती आ रही जी, बहुत सुस्ती आ जाती है, मौसम चेंज है। आज का कैसा बाजार चल रहा है चुकंदर का जी? सर ये मथुरा बिक रहा है 10-12 रुपए किलो। और जो इंदौर आता है जी? सर इंदौर अब बंद हो चुका है। क्या बात है? क्योंकि ये बहुत डाउन बाजार चल रही है, 8 से लेके 12 तक बिक रहा है मथुरा तो इंदौर। उनको वारा नहीं खाता जी? अच्छा। हापुड़ का चल रहा है बढ़िया माल, 15 से लेके 20 तक हापुड़ बिक रहा है सर। हापुड़? हाँ जी। अच्छा जी, और घी अभी अपने पास आ रही है सर? ये घिया बिक रही है 250 रुपए सर। पन्नी जी है? हाँ। माल तो बढ़िया जी है? हाँ माल बढ़िया। चलिए जी धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत जिया 6383-99-61-95। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, जानते हैं भाई साहब के पास आज का परमल का क्या बाजार चला। परमल आता है, कुंदरू आता है, आज की क्या रिपोर्ट? नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी क्या बाजार चल रही है आड़त के आज के जी, होलसेल के जी? इसके होलसेल का रेट चल रहा है 40 रुपए की ये परमल है। परमल और कुंदरू जी? कुंदरू चल रहा है 24-25। अच्छा जी, और चना खत्म हो गया? चनिया लास्ट है, एक दो दिन का आ रहा है। हरा छोलिया जी? हरा छोलिया। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या माल आ रहा जी? बस परमल कुंदरू आ रहा है, बाकी अब तो यही आइटम चल रही है, अभी छोलिया बंद हो रहा है। अच्छा जी, अच्छा। फिर इसको आप यहाँ सफाई करके धो के देते हो आगे? हाँ जी, धो के। अच्छा, इसके लोगों जाता ना कंपनी में, सब धुल के जाता। अच्छा, चलिए धन्यवाद भाई साहब जी। मोबाइल नंबर जी अपना? 7836-9666-112। बहुत बहुत। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली जाजपुर मंडी में आज का मशरूम का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है जी, आज की क्या पोजीशन। चलिए जानते हैं प्रेम भाई साहब से। भाऊ जी नमस्कार जी। भाऊ जी कैसे मार्केटें चल रही जी आजकल जी? मार्केट यही चल रही है सर, 120 रुपए किलो से लेकर 130 रुपए किलो। कल में और आज में क्या डिफरेंस है जी? कल से मार्केट आज 5-10 रुपए डाउन है। डाउन है? कल ठीक था जी बाजार? कल आज से अच्छा बाजार था। अच्छा जी, अच्छा। मार्केट 5-10 रुपए बस। देसी तो बिल्कुल खत्म है जी, पन्नी वाली देसी खत्म है, बाकी और ज्यादा सुपीरियर माल बढ़िया माल 140-150 तक देखे ये पैनेट में जी। अच्छा जी, जो बढ़िया माल क्वालिटी के आते हैं ना। अच्छा जी, 150 रुपए का बिका। ये देखिए ये माल है इधर, ये यहाँ देखिए VIP। हाँ VIP ब्रांड लगा रहा है। इनमें क्या चीज खासियत हो जाती है जी? देखिए ना ये रात का आया और ऐसे का ऐसे ही रखा है व्हाइट। अच्छा अच्छा, यानी जितना ज्यादा व्हाइट होगा जी। हाँ जी। अच्छा ये बात बताओ जी, जैसे आप यहाँ पर बेच रहे हैं इसी रेट में हमारे वहाँ लोकल गांव में बिक रहे जी, जिन्होंने फार्म लगा रखे जी अपना आस पास में हमारे हरियाणा में पंजाब में, तो जिसका इससे भी महंगे बिका जी कई बार हमारे यहाँ वहाँ पर लोकल में ही। लोकल में महंगा बिक जाते हैं, वहाँ देखते हैं मंडी का क्या भाव है, मंडी 150 रुपए बिक रही है। अच्छा जी, उसी हिसाब से वहीं 150-60 का रेट निकाल देते हैं। अच्छा जी, वहीं भेज देते हैं। तो यहाँ कितने रुपए से शुरुआत हो रही है? यहाँ आज 120 रुपए किलो से लेकर और 150 रुपए 120 से 150 रुपए किलो। लोकल फार्म बहुत लगते जा रहे जी वहाँ एसी वाले, तीन तीन चार चार कमरे के फार्म लगा रहे हैं लोग। अच्छा जी, वो यूट्यूब पे देखते हैं ना, वहाँ जी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा जी, लगा लेते हैं। अच्छा जी, चलिए धन्यवाद बाबू जी। मोबाइल नंबर जी अपना? 9654443-1। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली जाजपुर मंडी में आज का इंग्लिश वेजिटेबल के क्या बाजार चले। दोस्तों अब इंग्लिश वेजिटेबल का जो मार्केट है
कि दोस्तों क्वालिटी के ऊपर चलेगी, जिसके पास जैसी क्वालिटी है उसका तो माल बिक जाएगा, जिसकी हल्की क्वालिटी है उसका फीकेगा भी, और जिसके पास बड़ी होगा वो आसमान में जाएगा, क्योंकि अब गर्मी का मौसम आ चुका है। देखो एक ये सलाद है हरा, और एक ये पड़ा जी पन्नियों में सलाद पड़ा भाई साहब का, ये सारा का सारा, ये देखो ये भी हरा सलाद है, ये हरा सलाद है, और ये जैसे लीक खराब हो गई भाई साहब के पास यहाँ आई थी। नमस्कार भाई साहब जी। साहब जी नमस्कार। भाई साहब जी कैसे बाजार चल रहे जी, तेजी किस चीज़ में है इस समय? तेजी किसी चीज़ में नहीं है सर जी, बीच में ही बेसिल का थोड़ा बहुत तेज था, वो भी मंदा हो गया सर जी। ये यहाँ लगा लो जी, यहाँ लगा लो जी। आज का जी लाल पीली शिमला मिर्च का क्या बाजार चल रहा? लाल पीली का बाजार साहब जी है 100 रुपये बढ़िया वाला। अच्छा जी। हाँ। और ब्रोकली जी? ब्रोकली 20 रुपये सर जी। और ये लाल सलाद? लाल सलाद 20 रुपये सर जी। यार ये मरवाएगा, मेरे बंदे ने पिछले साल लाया नहीं वहाँ लाहौल स्पीति में, 150 रुपये चल रहा था पिछले साल, इसी टाइम का बात है 150-200-300 तक गया था मार्केट, बहुत तेज गया था मार्केट सर जी। अच्छा जी, अब 20 रुपये 30? हाँ अभी 20-30 चल रहे हैं। और ये हरे वाला जी ये भी खराब हो गया? हाँ ये रोमन खराब हो गया, 5 रुपये किलो भी 10 रुपये किलो भी नहीं बिक रहा है, देखो ऐसा निकल रहा है इसमें से। अच्छा इसका क्या बाजार बढ़िया का जी? 20 रुपये। अच्छा जी, और ये हरा सलाद? हरा सलाद भी 20 रुपये साहब जी। और लीक का बाजार जी? लीक का 10 रुपये में भी अगर कोई ले ले तो मैं देने के लिए तैयार हो गया, देखो हमारे पास माल बहुत सारा पड़ा हुआ है। 10 रुपये किलो लीक, इसको क्या खा गया जी लीक को? ये सर काम आता है, लीक जो है ना ग्रेवी काम आती है, ग्रेवी में बनती है सर। अच्छा, और जो इसकी वो बनाए भाई इसको सलाद में खाए, खाई नहीं जाएगी? नहीं सलाद में नहीं, ग्रेवी में ही काम आती है सर। अच्छा ग्रेवी में ही काम आएगी लीक जी। बताओ जी, और आज का बेसिल का रेट जी? बेसिल का रेट साहब जी 150 रुपये है सर जी। बेसिल 150 रुपये वो परचून में है, और जैसे पैकिंग में देते हैं बंद में 120 रुपये है। अच्छा जी, और ये चेरी टमाटर साहब जी ये 50 रुपये है, चेरी टमाटर, चेरी टमाटर हाँ पैनेट में दे रहे हैं 50 रुपये, बिल्कुल टाइट बढ़िया माल है सर जी। अच्छा जी, अच्छा येलो वाला भी है अपने पास? हाँ जी। हाँ ये येलो वाला क्या रेट जी? ये भी सेम चल रहा है, ये 90-80-90 हो जाते हैं, 80 रुपये है ये वाला। अच्छा जी, अच्छा 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 अच्छा। और जो बात करें जी आइसबर्ग का क्या बाजार चल रहा जी? आइसबर्ग का बाजार है, आइसबर्ग का बाजार भी मंदा ही चल रहा है इस टाइम, 50 रुपये आइसबर्ग। आइसबर्ग का बाजार 50 रुपये जी। अच्छा जी, और पोक्चे का रेट जी? पोक्चे चल रहा है सर जी 80 रुपये, पोक्चे 80 रुपये। अच्छा जी, और सैलरी का बाजार जी? सैलरी का बाजार है सर 30-40 रुपये। अच्छा जी, बढ़िया वाला। और रेड कैबेज? रेड कैबेज 30 रुपये। अच्छा जी, और ये आवाकाडो जी है हमारे देसी वाले का क्या बाजार है? देसी वाला जो आवाकाडो इस टाइम आ नहीं रहा है, वैसे जो जहाँ पे आ भी रहा है तो 280 रुपये जा रहे हैं। अच्छा जी, 280, और 300 रुपये किलो तो ये वाला बिक रहा है साहब जी। अच्छा जी, इम्पोर्टेड और ये वाला क्या बोलते हैं लोकल वाला दोनों एक जैसा हो गया सर। ये कुछ सालों में पिछले कुछ कई सालों में आवाकाडो की फसल ज्यादा बढ़ गई हमारे यहाँ पर, अब की बार बहुत ज्यादा है, पिछले साल लोगों ने प्लांट के प्लांट लगा दिए जी इसके। हाँ लोगों ने बहुत ज्यादा इसमें, इस टाइम बहुत ज्यादा हो गया रेट इसका। अच्छा जी, अच्छा। और ये रोज मेरी थाइम ये रोज में तो सर जी ये 200 रुपये है। हाँ जी, ये 350 रुपये। अच्छा जी, और ये लेमन ग्रास 60 रुपये 70 रुपये। अच्छा जी, अच्छा, यानी बस लगातार ऐसी बाजार चल रहा है। हाँ थाई जिंजर है, देखो वो थाई जिंजर भी चल रहा है इस टाइम जो आ रहा है। हाँ जी, पहले इस टाइम 400 रुपये हमेशा रहता था। अच्छा जी, इस टाइम 220 रुपये 200-250 रुपये तक लास्ट जा रहा है। अच्छा जी, और जो बात करें जी इसकी अपना ये जो दूसरे वाले सौदे हैं जिसमें और क्या क्या माल है जी ऐसा, ये चाइना कैबेज का क्या बताया आपने? चाइना कैबेज का 80 रुपये बाजार है साहब जी। चाइना कैबेज 80 रुपये। और आइसबर्ग जी आपने? आइसबर्ग बताया 50 रुपये सर जी। अच्छा जी, चलिए जी धन्यवाद भाई साहब जी। मोबाइल नंबर जी? मोबाइल नंबर ये अपना जो है कार्ड है एक बना हुआ। अच्छा, ये देखो ये एएस फ्रेश के नाम से नंबर भी है, मोबाइल नंबर इसमें। अच्छा जी, अच्छा, चलिए जी धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गाय की मौज हो रही जी, ये खाएगी नहीं कोई खा रहा 20-30 रुपये में, ये तो खाएगी इसके तो, इसको तो ये खाएगी, वैसे तो नहीं खा रहा कोई, ये खाएगी बेचारी। चलिए जानते हैं दोस्तों इन भाई साहब के पास ये क्या क्या माल आया जो लोकल जैसे पत्ता गोभी और दूसरे भाई साहब के पास आया जी। नमस्कार भाई साहब जी, क्या रेट चला जी फूल गोभी का जी? 500 रुपये पन्नी बेच रहे हैं, 2-3 रुपये किलो गोभी पड़ रही है। ये क्या बात होगी जी? थोड़ी सी हल्की गोभी है और अच्छी वाली गोभी 8 रुपये किलो बिक रही है। बढ़िया वाली गोभी का 8 रुपये किलो। और ये पीली गाजर जी? गाजर 12 रुपये किलो। ये पीली गाजर 12 रुपये जी। और ये पत्ता गोभी आई आपके पास? पत्ता गोभी बिक रहा है 10 रुपये किलो। पत्ता गोभी 10 रुपये किलो जी जी। और क्या माल आ रहा जी? यही आ रहा है शिमला मिर्ची आ रहा है 48-50 रुपये किलो बिक रहा है। अच्छा जी, अच्छा। और ये काकड़ी का क्या रेट चल रहा है? काकड़ी 12 रुपये किलो। काकड़ी 12 रुपये किलो जी जी। चलिए जो अरबी नहीं शुरू हुई अभी? अरबी अभी टाइम लगेगा 3 महीने देसी में। चलिए धन्यवाद भाई साहब जी, मोबाइल नंबर दे अपना 9891195145। बहुत बहुत शुक्रिया।
चलिए दोस्तों जानते हैं आर के एंड कंपनी पे आज का सब्जियों का क्या बाजार चला। राहुल भाई गोपाल बाबू जी की दुकान पे, गोपाल बाबू जी आजकल जो है इनके पास रात में बहुत ज़्यादा खरबूजा आ रहा और फ्लेज की सब्जी आ रही। मेन काम इनका है जी दोस्तों वो 9, 10, 11 नंबर सेट में, 10 या 11 नंबर सेट में आर के एंड कंपनी का कोई भी पूछ सकता है खरबूजा। वहाँ इनके पास काफ़ी कचरी खरबूजा आता है जो लाइनों वाला अपना गुजरात से और राजस्थान से, और यहाँ पर जो बेचते हैं मटर अभी तो सब जान लिया यहाँ से मटर बेच के, अभी तो मासा खोर लेके बैठे। चलिए जान लेंगे आज का वैसे क्या बाजार चला। रामू भाई साहब मिल गए यहाँ पर, नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी, सभी बेच के जान लिए जी आज माल मूल जी बाबू माल बाबू लोग तो है नहीं। अच्छा जी, वो जा बेच के जा लिए जी। अच्छा जी, और बाजार आज का रहा 150 रुपये धड़ी से लेके 250 रुपये धड़ी तक, 150 से 250 रुपये धड़ी 5 किलो का, 5 किलो 30 रुपये किलो से लेके 50 रुपये किलो। ये अपना शिमला वाली, शिमला इससे ऊपर था थोड़ा बहुत। अच्छा जी, बाकी ये था देहरादून वाली मटर। अच्छा, देहरादून सैया एचएफसी। अच्छा जी, अच्छा, और लोकल बिल्कुल खत्म है जी इस समय तो? लोकल खत्म है। अच्छा, अब लोकल तो ये कितना माल आ रहा जी अभी इस समय? ये आ रहा है मंडी में आ रहा है 2000 नग। 2000 नग? हाँ, अच्छा, 2500 नग आ जाते हैं। और ये अपना सीडलेस खीरे का कैसा बाजार चल रहा जी? सीडलेस खीरा बिक रहा है जी 30 रुपये 32 रुपये किलो। कहाँ वाला आ रहा है ये? तो जयपुर का भी आ रहा है, लोकल भी आ रहा है। अच्छा जी, हाँ जी। और इसके अलावा क्या माल आ रहा है अपने पास? आज बैंगन भी आया था, लोकल बैंगन आया था। अच्छा, वो बिका है 20 रुपये किलो लोकल वाला। हाँ, कहाँ का जी है ये? पानीपत का और करनाल का आया था। लोकल बैंगन चल गया जी? चल गया, चल गया। हमारे वहाँ भी चल गया जी गाँव में ना जी। हाँ जी, 20 रुपये 20 रुपये किलो। आगे आने वाले समय में तो बैंगन के रेट करे और तेज होंगे, तेज भी हो सकते हैं डाउन भी हो सकते हैं, वो तो डिमांड के ऊपर है। नहीं, क्या लग रहा जी आपको? अभी तो ऊपर होने की आसार दिख रहे हैं, वो पैसे बांटेंगे जी अब की बात। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मोबाइल नंबर बोल दो जी। मोबाइल नंबर 8368961155। बहुत बहुत शुक्रिया जी। चलिए दोस्तों जानते हैं महिंदर सिंह भाई जी की दुकान पे आज का सब्जियों का क्या बाजार चला आज कहाँ जी भाई साहब? दिल नहीं लगने का जी उनके बगैर तो। कहाँ जा लिए जी? अगर माल बेच के जा लिए, जुगनी आई, पीली जुगनी, हरी जुगनी, देसी टिंडा, चप्पल टिंडा, फूल गोभी और ककड़ी और ये मिर्ची अचारी वाली मोटी और बरीक। लो जी बाबू जी से जान लेंगे आज की क्या कुछ। हाँ जी भाई साहब जी, किधर गए जी बाबू जी? किधर जा लिए हमारे आज? बाबू जी घर चले गए जी। क्या बात है बाबू जी? वो थोड़ी तबीयत सही नहीं थी इसलिए। और मैं उनको कह रहा था अभी पान ना खाओ फिर मानते नहीं हो, देख रहे मानते नहीं हो। बताओ जी, फिर तबीयत खराब कर लेगी? पहले भी हॉस्पिटल में दाखिल रहे थे वो पिछले साल भी, थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए मैंने कहा जाओ अभी। अच्छा जी, आज का चप्पल टिंडे का बाजार कहाँ से कहाँ? चप्पल टिंडा बिका जी 14 रुपये 15। अच्छा जी, और देसी टिंडा भाई? देसी टिंडा बिका जी 28 से 25 रुपये से लेके और 30 रुपये। 25 से 30 रुपये। और ये वाली मिर्ची जी मोटी? मोटी वाली यह है 25 रुपये से, ये भी 30 रुपये। अच्छा जी, और ये ब्रीक वाली है? ये 30, 32, 35। ये कहाँ वाली है जी? अच्छा, ये सब राजस्थान की है। अच्छा जी, अच्छा, और पीली जुगनी, हरी जुगनी बढ़िया वाली? हरी जुगनी का बाजार सही हो गया, पीली का भी 30 रुपये 32 रुपये बिकी। 30-32 रुपये। अच्छा जी, अच्छा, और ककड़ी का बाजार जी? ककड़ी जी ये तो हल्की वाली आई थी, किसी की रुकी हुई आई थी। और जो बढ़िया ककड़ी? बढ़िया ककड़ी जो है आज भी 40 रुपये बिकी। अच्छा जी, हाँ जी, लोकल आई थी तो वो 40 रुपये बिकी। चलिए धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत। चलिए दोस्तों जानते हैं मुन्ना कोल्ली राजू कोल्ली भाई साहब की दुकान पे आज का अरबी का क्या बाजार चला। एक तो बड़े वाला ट्रेला आया, एक ही आया जी, और एक ये गाड़ी आई। इन भाइयों का काम जो है अरबी का है, हर जगह की अरबी मिलेगी। चलिए जान लेंगे भाई साहब से, नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार भाई, नमस्कार जी। 3 ट्रेले लग रहे जी आज अरबी के? हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। अच्छा जी, ये कहाँ की गाड़ी जी? और ये वाली गाड़ी? और वो परले वाली? हैदराबाद। अच्छा जी, अच्छा, ये तो बड़ी लंबी गाड़ी है जी, एक तो बीच वाली है। 14 टन जी, 30 टन माल है गाड़ियों में। अच्छा, और ये वाली जी? ये देहरादून की अरबी है जी। अच्छा जी, अच्छा, आज तो लोकल भी आ गई जी अरबी? लोकल नहीं है, मध्य प्रदेश खंडवा का मुदत हो गया। हाँ, मैं अभी अभी माल की क्वालिटी इतनी सुपर नहीं बनी है, माल बनेंगे 10 दिन बाद, 15 तारीख से माल बढ़िया आएंगे वहाँ के। अभी उसमें बंडे की बहुत ज्यादा शिकायत है, छोटी अरबी है, तेजी के कारण किसान खोद रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ दिल्ली नहीं चल पाएगा वो माल। अच्छा, कम से कम 15 तारीख को बढ़िया माल का मुदत होगा उसका। अच्छा जी, अच्छा, हाँ जी। ये देहरादून वाली? देहरादून का बढ़िया माल 55 से 60 रुपए किलो। अच्छा जी, हैदराबाद का बाजार मंदा हो गया है अरबी चलने से। हाँ जी, इसका बाजार हो गया जी 38 रुपए किलो से लेके 42 रुपए किलो तक। अच्छा जी, अच्छा, और ये उड़ीसा है, उड़ीसा का बाजार है 42 रुपए से 45 रुपए किलो। उड़ीसा 42 से 45 रुपए? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बाकी सब हैदराबाद है जी, सारा हैदराबाद है। हाँ जी, हैदराबाद का एंड चल रहा है।
अच्छा एंड है इसका हैदराबाद इसको तो आप वाश करा के देते हो फिर ये? हाँ जी, ये जिसकी जैसे बिकती है, कहीं मिट्टी वाली बिकती है, कहीं वॉशिंग वाली बिकती है, जिसकी जैसी डिमांड होती है वैसी भेजते हैं। जो किसी को वॉशिंग करानी हो तो कितना खर्चा पड़ेगा जी? वॉशिंग कराने का 90 रुपए बोरी का खर्चा जी। 90 रुपए बोरी? बोरी, हाँ जी, हाँ जी। और वजन कितना जी बोरी में लगभग? बोरी जो हैदराबाद की बोरी आ रही है वो आ रही है जी 70 किलो से लेकर 80 किलो तक। अच्छा जी। देहरादून की भलती है 48 से 50 किलो और उड़ीसा की भलती है 48-50 किलो। जैसे मान लो ये 80 किलो की बोरी है जी कोई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें वॉशिंग करा के वजन कितना कम हो जाता है फिर? इसके अंदर वजन कम होगा जी कम से कम 7-8 किलो वॉशिंग करा के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मट्टी का और रगड़ मट्टी बहुत होती है, रेता में पैदा होती है। जो रेट बताया अभी आपने उसके रेट है? ये रेट मैंने जो बताया आपको 38 से 42 मिट्टी वाले का रेट है जी। अच्छा जी, धुलवाने के बाद पड़ेगी 50 रुपए किलो। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। फिर दिलवाने के बाद तो 7-8 किलो वजन कम घटेगा, वजन भी घटेगा और धुलाई का खर्चा भी है। हाँ जी, हाँ जी, तो सब मिला के समझो 5-6 रुपए किलो खर्चा आता है इसके ऊपर। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब जी। मोबाइल नंबर जी अपना? लाला अमरदास पूरन चंद कोहली एंड कंपनी मुंदा कोहली 9818021001। अपने पास 12 महीने अरबी का ही काम है, जहाँ की भी अरबी हिंदुस्तान में पैदा होगी भगवान की तरफ से वहाँ पर मिलेगी आपको। चलिए धन्यवाद भाई साहब। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी में आज का अरी तिखी मिर्ची के क्या बाजार चले, आज की क्या कुछ रिपोर्ट है, बाऊजी बेच रहे यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ अरी मंडी में, जैसे सिल्लीगुड़ी होगी पेटियों में भी, इसमें भी ऊपर जाड़ लग के आती है ताकि मंडी में मिर्ची गर्म न हो। बाऊजी नमस्कार जी। नमस्कार जी। बाऊजी कैसे हाल चाल चल रहे जी मिर्ची? बढ़िया, बढ़िया, बहुत फर्स्ट क्लास। अच्छा, माल कम आ रहा है ज्यादा जी? माल अब ये तिसावर तो कम होने लग जाएंगे। ये जो बाहर वाले जी? हाँ, ये सिल्लीगुड़ी है। अच्छा जी, ये पचकुड़ा है। अच्छा जी, ये बताओ जी सिल्लीगुड़ी की पेटी में और बोरी में कितना डिफरेंस है? पेटी बोरी में कोई डिफरेंस नहीं है, माल एक ही है, पेटी इसलिए लगा देते हैं गर्म ना हो। अच्छा, हाँ, तो पेटी वाली का क्या रेट चल रहा जी? दोनों ये 52-53 रुपए चल रहे हैं। 52-53 रुपए किलो जी? हाँ जी। फिर पेटी का खर्चा ज्यादा नहीं पड़ रहा होगा जी इनको? भाई ये ना सेब भी तो करनी पड़ती है ना मिर्ची। अच्छा, सेडो में लगाते हैं? नीचे लगा देते हैं, नीचे नीचे। अच्छा, गर्मैश ना होए, उसको गर्मी होगी ना उसके ऊपर बोरी है जी? हाँ। अच्छा अच्छा, नीचे की तय में हुआ बोरी ये पेटी? हाँ, नीचे नीचे की तय होती है ये। दोस्तों ये जो पेटी है ना जी, जैसे पेटियां हैं, ये नीचे की तय में है पेटियां, मैं सोच रहा स्पेशल पेटियां ही है, नीचे की तय में पेटियां भी गर्मी ना हो, इसके बाद खड़ी बोरी रखेंगे, फिर पड़ी बोरी रखेंगे, ऊपर ये चीके लगाएंगे ऊपर। अच्छा, नीचे नीचे आ जाइए। हाँ, नीचे नीचे लगा देते सर। अच्छा जी, अच्छा। और इसका पंचकूड़ा का क्या बाजार चल रहा है? पंचकूड़ा हर भाव चल रही है। हाँ जी, ये साइडों में 35-36। अच्छा जी, 40। अच्छा जी, मतलब 35 से 40 रुपए। 35 से 40 रुपए। और नागपुर आ रही है? नागपुर बिके जी 40 से 50 रुपए। और जो इनकी गोरी है बढ़िया वाली जी, वो गोरी बिके आज 55 रुपए। गोरी 55 रुपए। लोकल का थोड़ा बहुत मुहूर्त होया कहीं का? लोकल आ गई 45 से 50 रुपए बिकी है, 2-3 टेम्पू थे आज। कहाँ वाले जी? बरेली आ गई, रामपुर। ये 78 नंबर वगैरह जी? हाँ, वो होती है जीप और दूसरी। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, चलिए धन्यवाद बाबू जी। मोबाइल नंबर जी? 93-131-53-187। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी।